370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के कई कानून जो है यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951, जिसके तहत यहाँ पर जो आम तौर पर व्यक्ति यहाँ पर रहते थे उन्हें अब वोटिंग का राइट मिल जाएगा। जी हाँ, ये कानून जो है उन्हें परमिशन देता है, उन्हें अलाउ करता है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि 370 से पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कई लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाते थे, हालांकि वो रहते यहाँ पर थे लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। वो स्टेट इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस तरह से यूटी बन चुकी है और यूटी में अब केंद्र के कानून जो है वो लागू हो रहे हैं, और इसी कानून के तहत यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951, इसके अकॉर्डिंगली ये अपना नाम अब रजिस्टर करवा सकते हैं। और रजिस्टर करवाने के बाद ये मतदाता सूची में जब शामिल हो जाएंगे तो इनको वोटिंग राइट यहाँ पर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि समाज की बात करें, रिफ्यूजियों की बात करें, ये यहाँ पर रहते थे लेकिन ये वोट कास्ट नहीं कर पाते थे। और इसी तरह से अन्य कई लोगों की बात करें, वो भी यहाँ पर रहते थे लेकिन उन्हें वोटिंग कास्ट का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया और 370 को यहाँ पर निरस्त किया गया, 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडियन के जितनी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है, जितने यहाँ पर कानून है, वो सभी कानून जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं। दर्शकों, इससे पहले इन्हें NPR की कैटेगरी में रखा जाता था, यानी कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट की कैटेगरी में रखा जाता था। और पिछली इलेक्शन की बात करें, पार्लियामेंट की इलेक्शन की बात करें, तो इसमें 32,000 के करीब जो हैं NPR वोटर पाए गए थे। हालांकि ये वोटर अब जो हैं वोटिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। RPA अधिनियम जो है अधिकार देता है कि आप अपना नाम जो है मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, उसमें आपका इलेक्ट्रोल लिस्ट से नाम जो है वो डिलीट होना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी, जहां पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहां पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AERO हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहां पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे।